बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कपास पर गुलाबी सुंडी के लिए आखिरी स्प्रे कौन सा किया जाए। तो ये तो आप जानते हैं कि 20-25 सितंबर तक के जो टिंडे लगते हैं ना, वो हमारे काम के होते हैं, वो खिलते हैं। इसके बाद जो है ना, लगने वालों पर जो है ना, वो इस वजह से नहीं खिलते कि हमने गंदम लगानी होती है। अगर गंदम ना लगानी हो तो उनको बचाना भी ज़रूरी है। बार क्या, 20 सितंबर के बाद जो है ना, अगर गुलाबी सुंडी आ भी जाती है ना तो खैर है। तो कौन सी इंसेक्टिसाइड स्प्रे की जाए जो कि 10-20 दिन जो है निकाल जाए, तो बेहतर यही है कि बोल्टन स्प्रे कर लें 400 मिलीलीटर। बोल्टन क्या है? गामा साई एलोथेरिन प्लस क्लोरपाइरीफॉस है। ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है। तो बोल्टन आप स्प्रे कर सकते हैं। पोलिटिन सी जो है ना, वो स्प्रे कर सकते हैं। वो एक लिहाज से सस्ती पड़ती है, लेकिन डोज उसकी पूरी 500 रखनी है और तसली बख्श तरीके से स्प्रे करनी है। वो 1200 में पड़ती है, जबकि बोल्टन जो है 7000 है, 2000 के राउंड अबाउट है। वैसे तो देखें, अगर रेडिएंट कार्टिवा की जो है वो आप स्प्रे करते हैं, 3500-3600 रुपया खर्चा है उसका एक एकड़ का, लेकिन ये याद रखें कि आपका सीजन पार कर देगी वो। एक ही स्प्रे, आखिरी स्प्रे उससे कर लें। तो माड़ी चीज़ जो है ना वो बता नहीं सकता। कम अज कम प्रो एक्सेस और ताल स्टार, ये दो जहर हैं। प्रो एक्सेस जो अरिस्टा की प्रोडक्ट है, ताल स्टार बाइफेंथ्रिन है, ये FMC की है। ये दोनों मिला के आखिरी पेनल्टी स्ट्रोक जो है ना अच्छा लगा दें, ताकि जो है ना, जो आखिर में लगने वाले टिंडे हैं ना, वो हमारे काम आ जाएं।